जाओ भाई, किस्मत वाले हो। काश मेरे पिता भी मुझे ऐसा हुक्म दे रहे थे। वकालत के इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है, मेरी तो जान सूखी जा रही है। अच्छा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम इन्हें हिंद हवाले कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा। गुन 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 बोले भमरुआ, हमारी बगिया में आके। वो गुन 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 बोले भमरुआ, हमारी बगिया में आके। हमारी बगिया में आके हो भमरा, गुन 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 बोले हमारी बगिया में आके। वो गुन 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 बोले भमरुआ, हमारी बगिया में आके। मधुबन से लाए संदेश बाहर का, मधुबन से लाए संदेश बाहर का, जाए मेरे प्यार का। बिना बजाए के बाउरी बना के, हमारी बगिया में जाके हो भमरा, गुन 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 बोले हमारी बगिया में आके। वो गुन 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 बोले भमरुआ, हमारी बगिया में आके। अरे ओ ओ रमेश, ये किताब किताब दिए। वकालत का इम्तिहान खत्म हो गया, नजर बाबू जोगिन की किताब वापस करने आए। ओ अच्छा रमेश बाबू, आपके पिता बालूहाटा के जमींदार बाबू ब्रजमोहन चौधरी है ना? जी हाँ। क्यों, कुछ काम है उनसे? जी नहीं, उनसे कोई खास काम नहीं, लेकिन मैंने सोचा आप गांव जा रहे हैं, मुमकिन है आपसे कोई काम निकल आए। आप किस वक्त आए? जोगिन की किताबें वापस करने आया। वो तो बाहर चले गए, मुझे दीजिए, आइए मेरे साथ।
जी उस दिन जो तुमसे मैंने हाजमे की गोलियों के बारे में कहा था ना, याद है? जी हाँ। ये दो गोलियां पानी के साथ निगल कर देखो, तबीयत एकदम हल्की हो जाएगी। अच्छा निगले लेता हूँ। आइए रमेश बाबू। तो हम लोग यहाँ अकेले ही रह गए। पर हमको जो अकेला जाना पड़ रहा है वो गांव जाने का ख्याल बड़ा भाता होगा आपको। यहीं रहने का ख्याल और अच्छा था। तो रुक जाइए कुछ दिन और। रुक जाऊं? हाँ, छुट्टियों के दिन है, सोच रही थी कि टेनिसन को आपसे पढ़ लेती, लेकिन आप तो गांव जाने का इरादा कर ही चुके हैं। इरादा बदल भी सकता है, लेकिन उसके लिए एक मुनासिब बहाना घड़ना पड़ेगा। बहाना? हाँ, आखिर पिताजी का हुक्म बगैर किसी वजह के थोड़ा ही टाला जा सकता है। और आप क्या समझ रही हैं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं? ओह। लेकिन ये सब एक शर्त पर। क्या शर्त? जो गाना भी हम सुन रहे थे वो पूरा हो। पूरा होगा। आइए। गुन 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 बोले भमरुआ हमारी बगिया में जाके, वो गुन 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 बोले भमरुआ हमारी बगिया में जाके, वो जान गया रे वो जान गया रे मेरे मन में है क्या, जान गया रे कहता फिरे सब कलियों से जा, कहता फिरे सब कलियों से जा मेरे मन में है क्या, जान गया रे देख रही थी मरा किसी की, देख रही थी मरा किसी की अखियां बिछा के लगनिया लगा के, अखियां बिछा के लगनिया लगा के हमारी बगिया में जाके, हो भमरा गुन 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 बोले हमारी बगिया में जाके, वो गुन 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 बोले भमरुआ हमारी बगिया में जाके। नायब जी, कलकत्ते से जो गुमनाम चिट्ठी आई है जरा उसे एक बार फिर तो पढ़िए। महाशय माफ कीजिए, किसी खास वजह से मैं यह जाहिर करना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, लेकिन मेरी नेक नियति मुझे मजबूर कर रही है, इसलिए आपकी आंखें जरूर खोल देना चाहता हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपके सुपुत्र बाबू रमेश चंद्र अपने पड़ोसी बाबू अन्नता की सुपुत्री के प्रेम में पागल हो गए हैं, रोज उनके यहाँ चाय पीने और न पीने के बहाने चले जाते हैं। ईश्वर जाने यह चाय की चुस्कियाँ क्या गुल खिलाएगी। आप ठहरे पुराने ख्यालों के पुजारी और वह है नए जमाने के ठेकेदार, ये मेल कहाँ तक मुमकिन है आप ही समझ सकते हैं। लिखना मेरा फर्ज था इसलिए लिख दिया, आपका भला चाहने वाला। अब समझा कि साहबजादे की इस अर्जी का क्या राज है। तो फिर छोटे बाबूजी के बारे में बड़ी माँ जी से क्या कहो हजूर? माँ जी से कहिए कि उसे देखिए जनाब, आप औरतों की तरफदारी चाहे जितनी कीजिए, लेकिन उनकी अकल की बड़ाई कोई अकलमंद कभी नहीं करेगा। अलबत्त हिंदलनी देवी, ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आपके बारे में मेरा ख्याल ऐसा हरगिज नहीं। धन्यवाद, आप निहायत काबिल हैं। मगर बात क्या है रमेश बाबू, कि आम तौर पर औरतों की और मर्दों की अकल कुल्हाड़े की तरह, जो जरूरत और धार दोनों से काम तमाम कर। जी हाँ। अक्षय, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बेटा हेम, तुम ध्यान नहीं दे रही हो,
रमेश की चाह खत्म हो गई है। हाँ, तो जब बात छिड़ ही चुकी है अक्षय बाबू, तो मुझे भी मजबूरन यही कहना पड़ता है कि औरत को मर्द ने हमेशा महज अपनी जिस्मानी ताकत के बल से दबाए रखा, और ये औरत ही के अनथक सब्र और मोहब्बत का नतीजा है जो आप इंसानियत को आज भी जिंदा देखते हैं। आप लाख कुल्हाड़े चलक अक्षय बाबू, लेकिन सच बात अटल रहेगी। बाबू हाँ, आपकी चिट्ठी। भगवान न करे कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं तो पिताजी गांव से आए हैं। अच्छा, तो वो ये बेवक्त कैसे आ गए? भैया चाय तो तैयार है, उन्हें यही बुला लाइए ना। नहीं नहीं, आप तकलीफ न कीजिए, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अच्छा नमस्ते। अच्छा यही ठीक है। मालूम होता है रमेश बाबू कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा हेम, आज का अखबार भी पढ़ना है। हाँ पिताजी। ओ रमेश बाबूजी, आप खबर तक नहीं दी आपने। हाँ बैठो। तुम अभी पास वाले मकान में थे? जी हाँ, वहीं गया हुआ था। नाना बाबू वहीं रहते हैं? जी। रमेश तुम्हें कल ही गांव जाना होगा, तैयारी कर लो। लेकिन बाबूजी, क्या कोई बहुत जरूरी काम है? बहुत नहीं, लेकिन जाना जरूरी है। लेकिन लेकिन बाबूजी, मुझे यहाँ कुछ बहुत जरूरी काम था। अच्छी बात है, जल्दी वापस चले आना। ला यहां रखो। अच्छा दादी माँ, एक बात पूछूं, सच सच बताओ। देखो जो तुम हाँ ना कहोगी तो मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। कैसा पागल लड़का है, जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ ले, ये तेरा खाना ठंडा हुआ जा रहा है। क्या बाबूजी ने ये बात बिल्कुल तय कर ली है? तूने भी हद कर दी। अरे ये बात क्या आज तय हुई है? इशादी की बदौलत तो ब्रिज को ये दिन देखने को मिले, ये सुख संपत्ति, ये मान मर्यादा। अरे तेरा बाप ऐसा तो नहीं कि उसके उपकारों को भूल जाए? ये मैंने कब कहा दादी माँ? जिस दिन ईशान अपनी इकलौती लड़की सुशीला और अभागिन घरवाली को छोड़कर अचानक इस दुनिया से चल बसा, उसी दिन ब्रिज ने सोच लिया था कि सुशीला को अपने घर की बहू बनाएगा और संघन के नाते उसकी विधवा माँ के लिए जरूर कुछ न कुछ कर देगा। मेरी राय है इस मामले में एक बार फिर विचार कर लीजिए हुजूर। सुना है ईशान बाबू की लड़की देखने सुनने में इतनी अच्छी नहीं। ये सब बातें मेरी समझ में नहीं आती नायक जी, इतनी अच्छी नहीं और उतनी अच्छी नहीं। भला लड़की भी कोई फूल है, तितली है कि रूप रंग के बारे में विचार किया जाए? लड़की में गुण होना चाहिए नायक जी, गुण। अगर सुशीला भी अपनी माँ की तरह सती साध्वी निकली तो रमेश को अपना भाग समझना चाहिए जी। कौन? ओ, कुछ कहना चाहते हो बाबूजी? कहो। मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता बाबूजी, मैंने कहीं और। क्या कहते हो, कहीं तिलक हो चुका है क्या? तिलक तो नहीं हुआ बाबूजी, फिर भी। फिर भी? फिर भी क्या, कहीं बात तय हो गई है? बात तय तो नहीं हुई, लेकिन बाबूजी। नहीं हुई ना, ठीक है। जैसे अभी तक चुप रहे, कुछ दिन और चुप रहो। फिर भी बाबूजी, मेरे लिए किसी और लड़की से शादी करना अन्याय करना होगा बाबूजी। और न करना उससे भी बड़ा अन्याय होगा रमेश। जाओ ये लड़कपन छोड़ दो। आप घर
जाकर देखो बेटा। पढ़ लिखे तो क्या हुआ बाबूजी, शास्त्र को तो मानना ही पड़ता है। आइए बाबू, आइए आइए। रमेश तुम अंदर आओ। बेटी बदरिया कारे मौजों में है ना हमारे बेड़ा कैसे पार हो, ऊपर है बदरिया कारे मौजों में है ना हमारे बेड़ा कैसे पार हो, हो खेने वाले धीरे धीरे ले चल नैया धीरे धीरे बेड़ा कैसे पार हो, हो खेने वाले धीरे धीरे ले चल नैया धीरे धीरे बेड़ा कैसे पार हो, ऊपर है बादरिया कारे मौजों में है ना हमारी बेड़ा कैसे पार हो, एक बार बाबुल की नगरी एक बार साजन का गांव, एक बार बाबुल की नगरी एक बार साजन का गांव, वो सिर पर लोक लाज का बोझा लोक लाज का बोझा कांप रहे दुल्हन के बाद, वो खेने वाले धीरे धीरे ले चल नैया धीरे धीरे बेड़ा कैसे पार हो, ऊपर है बादरिया काली मौजों में है ना हमारी बेड़ा कैसे पार हो, दो दिलों की दुनिया लेकर नैया चले जाए रे, दो दिलों की दुनिया लेकर नैया चले जाए रे, हाय मुसाफिर बोला वाला ओ हाय मुसाफिर बोला वाला मन पर घबराए, खेने वाले धीरे धीरे ले चल नैया धीरे धीरे बेड़ा कैसे पार हो, बेड़ा कैसे पार हो, ऊपर है बादरिया काली मौजों में है ना हमारी बेड़ा कैसे पार हो, बेड़ा कैसे पार हो, Thank you.
सुशीला सुनो, सुशीला सुशीला सुशीला, तुम कुछ देर यहां अकेली रह सकोगी है? मैं तब तक औरों को देख लूं। सुशीला सुशीला, करना ही पड़ेगा, परसने की तैयारी करो बहन। हाँ एक बात ध्यान में रहे, रमेश को श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका सर ना मुड़वाना। अभी अभी दूल्हा बना हुआ है बेचारा, जो चल बसे हैं उनके नाम पर रोने के लिए तो उम्र पड़ी है, ये जो जिंदा है इनने क्या बिगाड़ा है। क्रियाकर्म श्राद्ध तो किसी तरह पूरी हुई सुशीला, अब मेरा अच्छा ख्याल। ये तो बताइए आप मुझे सुशीला कहकर क्यों पुकारते हैं? मेरा नाम तो कमला है। कमला? हाँ आप समझते हैं, नाम बदलने के साथ साथ मेरे भाग की रेखाएं भी बदल जाएंगी। मैं जन्म से ही अभागिन हूँ, चिता में जाकर ही मेरी कालिख दूर होगी। जन्म से ही तुम अभागिन? कैसे कैसे नहीं, पैदा होने से पहले ही बाबा चल बसे। 6 महीने की हुई कि माँ को भी खा लिया। मामा के घर मामी के ताने सुन सुन कर पली बड़ी हुई। इतने में सुना आपने कहीं से आकर मुझे अपने चरणों में जगह दे दिए। बिना देखे भाले ही 2 दिन में शादी हो गई, और उसके बाद आप देख ही रहे हैं मेरे चरण पड़ने के साथ साथ क्या हाल हुआ आपका। नींद आ रही है? नहीं तो। अच्छा कमला, शादी के वक्त जब तुमने मुझे देखा था तो तुम्हारे मन में क्या विचार उठे थे? मैंने तो आपको देखा ही नहीं, शर्म के मारे आंखें नीचे किए बैठी रही। मेरा नाम भी नहीं सुना तुमने? नहीं तो, नाम सुनने की फुर्सत ही कहाँ मिली, आज मंगनी कल ब्याह। ठीक ठीक। देखो ना, मुझे तुम्हारे मामा का नाम पता तक ठीक याद नहीं। वाह, धोबीताल के तानी चटर्जी का नाम तो सभी जानते हैं। अच्छा कमला, अब तुम सो रहो। आप नहीं सोएंगे? मैं भी थोड़ी देर में सो रहा हूँ। कमला मेरी स्त्री नहीं है, ये मेरी स्त्री नहीं है, ये कौन है? उसका पति कौन है? कहाँ है? तानी चटर्जी, धोबीताल। तानी चटर्जी, धोबीताल। चाचा, किसी को भेजकर ये खत डाखाए में डलवा दो। तुम्हारी चिट्ठी है ना? अच्छा
चाचा वकालत के इम्तिहान में अव्वल नंबर पास हुआ हूँ चाचा। अच्छा अच्छा, सोच रहा हूँ कलकत्ते जाकर प्रैक्टिस शुरू कर लूँ, तुम्हारी बहू को भी साथ ले जाऊंगा। वो जो कोलोटोला वाला मकान है ना चाचा, उस पर इतना सुविधा नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से आज ही तुम किसी आदमी को भेजकर एक अच्छे से मकान का इंतजाम करा दो, पर किसी और मोहल्ले में चाचा। लेकिन ये क्या बेटा, इतनी जल्दी क्यों? तुम चले गए तो ये जमींदारी का काम कौन देखेगा? तुम जो हो चाचा, और दादी माँ भी तो है फिर है? और तुम तो जानते हो कि मुझे ये सब अच्छी तरह आता भी नहीं। यहाँ खड़ी कहाँ देख रही हो बहू? रात हुई, सो जाओ। बाबूजी कब से सोने के कमरे में बैठे हुए। नींद आ रही है कमला? हाँ। जा सो जा। आप नहीं सोएंगे? मैं ये किताब खत्म करके सोऊंगा। सुबह मैंने एक अजीब सपना देखा कमला। क्या सपना? देखता हूँ तुम स्कूल में पढ़ रही हो, छोटी बड़ी बहुत सी लड़कियां हैं तुम्हारे साथ, और तुम हंस खेल कर उनके साथ दिन काट रही हो। तुम लिखना पढ़ना सीखोगी कमला? आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि बिना पढ़े लिखे इंसान इंसान नहीं कहलाता, दुनिया की तमाम खबरों से दूर रहता है। तो शुरू कर दीजिए मुझे पढ़ाना। इसके लिए तुम्हें स्कूल जाना। स्कूल? इतनी बड़ी होकर मैं स्कूल जाऊंगी? मुझे शर्म आएगी। लो लो लो, और वहां तो तुमसे भी बड़ी बड़ी लड़कियां पढ़ने आती हैं, हैं? अगर आप इसी में खुश हैं तो मैं जाऊंगी। हमारे स्कूल बोर्डिंग का इंतजाम बहुत अच्छा है रमेश बाबू, आप इत्मीनान रखिए। अच्छा अच्छा, नमस्ते। अच्छा कमला, तो अब मैं
मैं चलूंगा। अरे तुम कहाँ चली? आपके साथ। ना 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 कमला, तुम्हें तो अब से यहीं रहना होगा। आप नहीं रहेंगे? भला मैं लड़कियों के स्कूल में कैसे रह सकता हूँ? तो मैं भी नहीं रहूंगी, मुझे ले चलिए अपने साथ। जी कमला। ओहो मैं तो भूल गया, देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी चीजें लाया था, ये लो देखो पहन लो। मुझे जल्दी ले जाइएगा यहाँ से। वो कहे चाहता है नाम मुझे, वो कहे आप दो चाहता है नाम मुझे, अब तो एक जाम मुहब्बत पैगाम मुझे, अब तो एक जाम मुहब्बत है ये पैगाम मुझे, वो कहे आप दो चाहता है नाम मुझे, वो कहे आप छट गए रंजो मुसीबत के बरसते बादल, छट गए रंजो मुसीबत के बरसते बादल, हंसता सूरज नजर आता है सरे बाम मुझे, हंसता सूरज नजर आता है सरे बाम मुझे, वो कहे आप की दो चाहता है नाम मुझे, वो कहे आप आरज़ू अब तो जगह हो गई उनके, आरज़ू अब तो जगह हो गई उनके दिल में, आ गया रास मोहब्बत में मेरा नाम मुझे, आ गया रास मोहब्बत में मेरा नाम मुझे, वो कहे आप की दो चाहता है नाम मुझे, वो कहे आप। बंद न कीजिए अक्षय बाबू, गाइए। हेमनलिनी देवी, हम नहायत मामूली आदमी हैं, कोई बाप दादा की जिम्मेदारी तो है नहीं, मेहनत करके पेट भरना पड़ता है, मुझे रोक के आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। रमेश बाबू आप अपना नाम बदल डालिए। इसलिए? रमेश नाम का एक लड़का किसी दूसरे के बदले इम्तिहान में बैठा था, पकड़ा गया। अक्षय नाम के बहुत से लोग शायद जेल की हवा खा रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना नाम बदल डालें। ये लीजिए, एक दोस्त की हैसियत से मैंने नेक सलाह दी, आप खफा हो गए, तो फिर बात जरा खोल कर ही बताऊं। मेरी छोटी बहन पेशन स्कूल में पढ़ती है, कल मुझसे कहने लगी, भैया तुम्हारे दोस्त रमेश बाबू की पत्नी भी हमारे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन ये क्या अन्याय है कि छुट्टी के दिनों में भी वो उसे हॉस्टल में रखना चाहते हैं, उधर वो बेचारी रो रो कर दिन रात एक कर रही है। मैंने कहा हट पगली, हमारे रमेश बाबू की पत्नी क्यों होने लगी, उनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। बाद में सोचता रहा अगर ऐसी ही गलती औरों से भी हुई तो। अक्षय तुम क्या पागलों की तरह बातें करते हो, कौन रमेश किसकी पत्नी किस स्कूल में पढ़ी रो रही है, उसके लिए हमारा रमेश क्यों अपना बदलने लगा? बिल्कुल ठीक। जी नहीं ये मैं कब कह रहा। ओहो रमेश बाबू आप तो नाराज होकर जा रहे हैं, क्या मुसीबत है, आप क्या समझते हैं कि मैं आप पे शक करता हूँ? भला देखिए तो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या बात है हेम, तुम रोने क्यों लगी? अक्षय
अक्षय बाबू को हमारे घर में उनका इस तरह अपमान करने का क्या हक है? अपमान? किसने किसका अपमान किया? मैंने उनका या उन्होंने आपका? अरे अक्षय ने मजाक में कुछ कह दिया, इतना बिगड़ने की क्या जरूरत थी? ये भी कोई मजाक का तरीका है? बाबूजी, सुखराम आया। बिटिया रानी ने भेजी है। अच्छा तुम जाओ, कहो मैं अभी आता हूं। कमला रोती रहती है, छुट्टी के दिनों में से बोर्डिंग में नहीं रखा जा सकता। जब से आप उसे सनीचर तक से यहां से ले जाइए। सनीचर? इतवार? सनीचर? क्या मैं आ सकता हूं? जी रमेश बाबू, आपको मुझे माफ करना ही होगा। अजी साहब, आप जरा सी बात पर इतने खफा हो जाएंगे ये मुझे मालूम न था। देखिए ना, उस दिन से वहां जाना ही मुश्किल हो गया है। बेसम स्कूल की चिट्ठी देख रहा हूँ। जी हाँ, चंदा मांगा होगा शायद। जी मुझे माफ कीजिएगा अक्षय बाबू, मुझे बहुत जरूरी काम से सौंपा है। जरूर जरूर, शादी के लिए शायद रोशन चौकी का बयाना देने जा रहे हैं। जाइए जाइए, आपके शुभ काम में मैं आड़े नहीं आना चाहता। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते। नमस्ते। सुहाने पे जीना बीत जाए, सुहाने पे जीना बीत जाए, सुहाने पे जीना बीत जाए, सुहाने पे जीना बीत जाए। अकेले बैठे जिया घबराए, सुहाने पे जीना बीत जाए। कोई संदेश न कोई पाती, फिर कलाई पवन मधुमाती। कोई संदेश न कोई पाती, फिर कलाई पवन मधुमाती। कैसे ठहर धड़कती छाती, हंसी में रोना आए। सुहानी बिजलियां बीत जाए, सुहानी बिजलियां बीत जाए। मन में धीरज की बात जमाऊं, प्रेम नगर में आंखें बिछाऊं, प्रेम नगर में आंखें बिछाऊं। चूम लूं वार बल बल जाऊं, चूम लूं वार बल बल जाऊं। बैठी हूँ आस लगाए, सुहानी बिजलियां बीत जाए, सुहानी बिजलियां बीत जाए, सुहानी बिजलियां बीत जाए, सुहानी बिजलियां बीत जाए। ओहो, आप भी अच्छे हैं। पांच दिन लगते हैं आपके गुस्से को जाते। हेम, तुम्हारे पिता घर हैं? ऊपर ही तो है। आओ रमेश आओ। शादी कुछ दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ेगी अनंदा बाबू। हैं? मुझे बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। क्या कहते हो रमेश? अरे रिश्तेदार और दोस्तों को न्योता जो भेज दिया गया।
उन्हें आज ही इत्तला की जा सकती है कि शादी इस इतवार के बजाय अगले इतवार को होगी। ताज्जुब है, ये भी कोई मुकदमा है कि जब तक जहां तारीख बढ़ाते रहे। पूछ सकता हूं ऐसा क्या जरूरी काम है? काम बहुत जरूरी है अंदा बाबू, मुलतवी नहीं किया जा सकता। वाह, खुद काम मुलतवी नहीं कर सकते, शादी मुलतवी कर सकते हैं। हो जो मन में आए करो, लोग जब मुझसे पूछेंगे मैं कह दूंगा मैं कुछ नहीं जानता, रमेश से पूछो। हेम से कुछ कहा है जी? नहीं। आखिर उससे भी तो कुछ कहना चाहिए, शादी तुम्हारी अकेले की थोड़ी ही हो रही है। हेम, हेम। पिताजी जरा इधर आओ। सुना तुमने, रमेश बाबू फरमाते हैं उन्हें कोई जरूरी काम आन पड़ा है, इस वक्त शादी करने की फुर्सत नहीं। भाई ये तुम्हारे झगड़े हैं तुम्हें समझो, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी एक इल्तिजा है हिम, मुझ पर विश्वास रखना है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं मैं तुम कभी धोखा नहीं दूंगा हिम। आओ। नमस्ते। बैठो। देखो तुम नई रोशनी के लड़कों को समझना बहुत मुश्किल है। जी क्या फरमाया आपने? आपके दोस्त रमेश बाबू, आपके दोस्त। मेरे दोस्त? हाँ, कुछ कहा ना सुना, बस कहने लगे 7 दिन के लिए शादी मुलतवी कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, परसों इतवार के दिन शादी है। तो उन्होंने कोई वजह बताई? वजह तो कोई बताना ही नहीं चाहता मुझसे। ओ शायद हेमनलिनी देवी से कुछ कहा है? मुमकिन है। अच्छा वो तो हेम खड़ी है। हेम बेटा, हेम। पिताजी जरा इधर तो आओ बेटा। क्या है पिताजी? नमस्ते। जीतेरा जीतेरा। अच्छा हेम, रमेश ने जो शादी मुलतवी कर दी कोई वजह बताई? नहीं। है? पूछा था तुमने? नहीं। नहीं तुमने कुछ पूछा नहीं? ताज्जुब है। ठीक तो है अनदा बाबू, अगर कोई इंसान किसी बात को छुपाना चाहे तो उसके बारे में उसे कुरेदना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। पिताजी घर के मामले में बाहर का कोई आदमी राय दे ये मैं नहीं चाहती, जो कुछ हुआ है उसका मुझे कोई सदमा नहीं। मैंने देखा है कि दुनिया में सच्ची दोस्ती के बदले इंसान को हमेशा कड़वे फल खाने मिलते हैं, लेकिन मुझे वो फल मीठे लगते हैं क्योंकि मैं एक सच्चा दोस्त हूं। आप मुझसे नफरत करें या मुझे गालियां दें, लेकिन मौजूदा हालत में मैं रमेश के चाल चलन पर शक करना अपना फर्ज समझता हूं, एक दोस्त का फर्ज। खैर जोगिन भी तो कल आ रहा है, वो भी अगर सब देख सुनकर खामोश रहा तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। देखो अक्षय, तुम्हारा मिजाज बहुत शक्की है, बगैर किसी सबूत के ही किया नगा बाबू। मैं जानता हूं कि मुझ में बहुत सी कमजोरियां हैं, लोगों को सखी देखकर मुझे रश्क होता है, साधुओं को भी मैं शक की निगाह से देखता हूं। शरीफ घर की लफी पढ़ाने की लियाकत मुझ में नहीं, या उनसे कविताओं पर बहस करने का मादा भी मैं नहीं रखता, लेकिन मुझे इस बात का घमंड जरूर है कि आप लोगों से छुपाने के लायक कोई काम मैंने आज तक नहीं किया। किसी के घर सेंध लगाकर डाका डालना मेरा पेशा नहीं,
और इन सब बातों का क्या मकसद है ये कल ही आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। नमस्ते। सुगन, ओ सुगन जी। नमस्ते बाबू जी। अरे बात क्या है, कल शादी? ना बाजी ना काजी ना धूमधाम। सब अच्छे है ना? जी बाबू जी। पिताजी अच्छे है ना? जी बाबू जी। अच्छा सामान उतारो। बहुत अच्छा। पिताजी बस बस ठीक है ठीक है। कहने तो हेम अच्छी है ना? क्यों अच्छी तो है, शादी की कोई चहल पहल नहीं दिखाई दे रही। ये अपने दोस्त रमेश बाबू से पूछो, 7 दिन के लिए शादी मुलतवी कर दी, सब पूछा तो कोई जवाब ही नहीं। मैं जानता था मेरे न रहने से तुम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर बैठोगे। हेम कहां है? क्यों ऊपर? अच्छा तुम आ गए भैया। ठीक है ठीक है। तुम्हारी तबीयत इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती। अच्छी हो तभी तो दिखाई देगी, तुम लोगों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। फिर भी डरो नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी मैं रमेश के पास जाता हूँ। भैया डर तो किसी बात का नहीं है, मैं कहना चाहती थी कि उन्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करना। अच्छा तुम फिक्र ना करो। नहीं भैया, उन्होंने जो शादी मुलतवी की है उसकी वजह कुछ जरूर होगी, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वादा करो कि उन्हें किसी तरह का दुख ना पहुंचेगा। अच्छा रे अक्षय तुम यहां चोरों की तरह खड़े हो क्यों? क्या बताएं, भलाई करने गए थे बुराई मोल ले ली। अरे भाई रमेश के चाल चलन के बारे में मैंने इतराज किया तो तुम्हारे पिताजी बिगड़ बैठे और तुम्हारी बहन तो मेरी सूरत ही से बेजार है। अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए, सब सुन लिया होगा। हाँ आओ कमला बैठो। स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी तरह चल रही है ना? हाँ। वहां तुम्हें अच्छा तो लगता होगा? अच्छा शायद तुमने कुछ खाया नहीं है, देखो वो फल पड़े उनमें से कुछ खाओ। मैं खा कर आई हूँ। तुम तो खा कर आई हो लेकिन मैं तो खा कर नहीं आया। अच्छा छोड़िए, बड़े हुनरमंद हैं आप। माफ कीजिएगा रमेश बाबू, हम समझे थे कि आप यहाँ अकेले ही रहते हैं। भजोगे इस तरह बिना इत्तला दिए हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो बाहर चलें। रमेश जरा बाहर तो आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो कौन है? जोगेन भाई ये तुम्हारी जाति है,
दोस्ती हुई तो क्या, आखिर बहुत से राज ऐसे भी तो होते हैं जो अच्छे से अच्छे दोस्त से भी छुपाए जाते हैं। क्यों रमेश, ये क्या ऐसा ही राज है? मैं इस मामले में कोई बात करना नहीं चाहता जोगिन। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। अगर हेम से तुम्हारी शादी तय ना हुई होती तो शायद मुझे तुम्हारे इन राज की जरूरत न पड़ती। डाकिया ये चिट्ठी दे गया है। वो लोग कौन थे? हमारे स्कूल में भी आए थे। अच्छा, क्या पूछ रहे थे वो लोग? पूछ रहे थे तुम मेरी कौन हो। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कोई नहीं। जाइए। तारिणी चैटर्जी अरसा हुआ मर गए। मैं उनका दोस्त हूँ। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि कमला का ब्याह रंगपुर के एक डॉक्टर नलिनाक्ष चैटर्जी से हुआ था। कमला, चलो आज ही गांव चले। गांव? वहां मुझे अच्छा नहीं लगता। बोर्डिंग में रहना अच्छा लगता है? नहीं, वहां मुझे शर्म आती है। लड़कियां हर रोज आपके बारे में पूछा करती हैं। क्या पूछा करती हैं? यही कि आप मेरे कौन होते हैं। तुम क्या कहती हो? कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं कह देती कि मैं तुम्हारा कोई नहीं? जाइए, कैसी बातें करते हैं आप। क्या सोचने लगे? अगर आप गांव जाना चाहें तो मैं तैयार हूं। मैं बोर्डिंग में नहीं रही इसीलिए आप नाराज हैं। बताइए ना, आप बोलते क्यों नहीं? नहीं नहीं कमला, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं अपने आप से बेजार हो गया हूं। अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता कमला। चलो कहीं और चले। कहाँ? कहीं तो पटना, मुंगेर, बक्सर, दानापुर, हाजीपुर, काशी। बहाने आप खूब समझते। चल भाई ऐसे जाइए ना, छुड़ा लाइए बेचारे को। ये माँ का बच्चा है। मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबू जी, मुझे जाने दीजिए। मेरे और कोई नहीं है, भूखा मर जाऊंगा। ए बाबू साहब, इसका किराया मुझसे ले लीजिए। जी, इसका किराया मुझसे ले लीजिए बाबू। अरे प्रणाम कर अपनी नई माँ को। नाम क्या है तेरा? मैं बाबू जी, सब काम आता है। खाना पकाना, बर्तन मारना, खाने देना, कपड़े धोना। अच्छा, आ मेरे साथ। रमेश से तुम्हारी मुलाकात हुई? हाँ, बहुत अच्छी तरह हुई। मुझे जरा भी उम्मीद न थी कि रमेश के साथ ऐसी मुलाकात भी हो सकेगी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी से भी परिचय हुआ। किसकी पत्नी से? रमेश की पत्नी से। है? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
किस रमेश की पत्नी से? अपने रमेश की पत्नी से। ऐसे कितने रमेश हैं जिन्हें हम जानते हैं? अभी 6 महीने पहले वो शादी के लिए ही गांव गया था। लेकिन वहां तो उसके पिता का देहांत हो गया था। वो शादी के बाद क्या मुश्किल है? ना 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 ना, तब तो हेम से रमेश की शादी नहीं हो सकती। अक्षय ने तो ठीक ही कहा था। हेम जाओ नहीं, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं, बैठो। हेम भैया सुनो। हेम, मैंने स्कूल जाकर सब हाल मालूम कर लिया है। रमेश ने अपनी स्त्री को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में रखा था और छुट्टी के दिन भी वो उसे वहीं रखना चाहता था, लेकिन हेडमिस्ट्रेस ने। बेटी जोगिन, बेटी बेटी बेटी, इनकी बातों पर विश्वास ना करो बेटी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ। बेटी पानी, घर देखो। कैसी हो बेटी? क्या हुआ बेटी? नंदिनी देवी। बेटा, पिताजी, पिताजी, अक्षय बाबू से कहिए यहाँ से चले जाए। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ नंदिनी देवी, मैं जाता हूँ, आप घबराइए मत। वो चले गए बेटी, अब जरा आराम करो। बाबा। हाँ बेटा। मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। तुम आराम करो बेटा, मैं तुम्हें पंखा झलू। मुझे जरा छोड़ दो। अच्छा जोगिन, चलो हम लोग जरा बाहर जाएं। नींद आ रही थी? नहीं, एक कहानी सोच रहा था। कहानी मुझे भी सुनाइए खाते खाते। तुम नहीं खाओ? ना, आपके बाद। अच्छा तो सुनो, पुराने क्षत्रिय राजाओं में रिवाज था कि शादी ब्याह में खुद ससुराल जाने की बजाय अपनी तलवार भेज दिया करते थे। ओ माँ, क्या करें, रिवाज था। अच्छा हाँ, तो इसी रस्म से राजकुमारी चंद्रावती और राजा रंजीत सिंह की शादी हो गई। किस्मत देखो कि उसी दिन अमरपुर की राजकुमारी वीना भी राजा चेत सिंह की तलवार से ब्याहती गई। इत्तेफाक से दोनों बरातों की एक जंगल में मुलाकात हुई और तय हुआ कि वहीं डेरा डाला जाए। कुछ रात गए, डाकुओं ने मौका अच्छा देख उन पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ ऐसी भगदड़बाजी की कोई कहा और कोई कहा। खैर, बड़ी मुश्किल से दोनों बारात ने अपनी अपनी राजधानियों को पहुंचे। कुछ दिनों बाद राजा चेत सिंह को अचानक ये मालूम हुआ कि दोनों दुल्हनें डाके की गड़बड़ में एक दूसरे से बदल गई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुझे नहीं मालूम। अच्छा कमला, अगर अगर क्या? अगर मैं चेत सिंह होता और तुम चंद्रावती। ना, ऐसी अशुभ बातें मुझसे ना निकालिए। तो बताओ, ऐसी हालत में तुम क्या करती और मैं क्या करता? ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। तुम्हें ये सब सोचना पड़ेगा कमला, तुम्हें ये सब सोचना पड़ेगा। मैं सोच नहीं सकती, मुझे जाने दीजिए। कमला कमला, इस पहेली को हल करके जाओ। कमला सोचो, सोचो कमला। मुझे छोड़ दीजिए कमला, मुझे जाने दीजिए कमला। ये क्या कर रहे हो रमेश, जिसे भगवान ने तुम्हारे सुपुर्द किया, तुम इस तरह उससे मुक्ति पाना चाहते हो? जी जी जी, कमला चलो कुछ खा लो। कहीं
नाव डूबने के कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि कमला मेरी स्त्री सुशीला नहीं, कमला मेरी स्त्री। नमस्कार। महाशय ब्राह्मण हैं और रमेश बाबू कहलाते हैं, जानता ही हूं। और अगर जान पहचान करने का ये ढंग आपको बुरा न मालूम हुआ हो तो आपको अपना नाम भी बता दूं। जरूर बताइए साहब। जीते रहिए। सेवक का नाम तो त्रिलोक चक्रवर्ती है, लेकिन वैसे चाचा कहकर पुकारा जाता है। आपको भी इजाजत है, पूछ सकता हूँ आप कहाँ जा रहे हैं? जी ये अभी तय नहीं कर पाया। हो यह है नहीं रोशनी। सच महाशय, आप लोगों के कदम मंजर सूझबूझ का झगड़ा ही नहीं पालते। देखिए ना, हम ऐसा करते झिझकते हैं, हमारी हिम्मत पर हर वक्त अक्ल का पहरा रहता है, डरपोक जो ठहरे। अच्छा, आपकी स्त्री आपके साथ है ना? जी जी। सबकी खुशबू आ रही है बिटिया। तरकारी चाहे जैसी भी बने, खाने से पहले मुंह में पानी आ गया। नहीं नहीं बिटिया, ये बात कभी न करना, ये सब नहीं चलेगा। ये चप्पल बाबू, ये सब आप ही का दोष है। कुछ भी कहिए, ये धर्म है। देश की मिट्टी को इन चरणों के स्पर्श से दूर रखिएगा तो देश ही मिट्टी हो जाएगा। मेरी बात पर आप हंस रहे हैं रमेश बाबू, क्यों ना हो, जमाने का तकाजा भी तो कुछ होता है। आप लोग जहाज पर सवार हो जाते हैं, ये नहीं जानते कि कहाँ जाना है। आप ही बताइए तो कहाँ जाना। जीते रहिए जीते रहिए। अच्छा तो मेरे साथ हाजीपुर चलिए। चलोगी बिटिया मेरे साथ? एक छोटी सी कुटिया है और तुम्हारे जैसी एक बिटिया है और ये बूढ़ा सेवक है, चलोगी? पिताजी अब जल्दी से हेम की शादी कर दीजिए। रमेश के साथ संबंध टूटने से बिरादरी में हर तरफ चर्चा हो रहा है। लेकिन वर भी तो मिलना चाहिए जोगेन। हाँ, सिर्फ एक ही है, जो बदनामी हो गई और हो रही है देखते हुए नया वर मिलना संभव है। एक बेचारा अक्षय है जो अपने इरादे पर अटल है। पागल हो गए हो जोगेन? अक्षय के साथ शादी करेगी हेम? क्यों नहीं करेगी? अगर आप कुछ गड़बड़ न करें तो मैं उसे राजी कर सकता हूं। हेम, 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 एक बात है। क्या है भैया? देखो बहन, पिताजी की चिंताएं तुम्हारी वजह से इतनी बढ़ गई हैं कि उनकी तंदुरुस्ती बहुत खराब हो गई। अगर तुम अपना दिल मजबूत करके शादी के लिए तैयार हो जाओ तो। मैंने कहा कि मैं सदा सन्यासी नहीं रहूंगी। नहीं, संसार में मनचाही चीज किसे मिली है? जो कुछ मिला है उसे ठुकराना नहीं चाहिए। अपने दोस्तों में सिर्फ एक है जिसका मन तुम्हारी तरफ से अब तक नहीं बदला। हाँ, और अगर तुम प्रेम का सपना देखना चाहती हो तो। भैया, पिताजी जिससे शादी करने हो, परेशानी में मेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहता। मुझे क्या मालूम नहीं पिताजी का तुम्हें कितना ख्याल है। अच्छा मैं अभी आया। पिताजी, हम राजी हो गई। आप एक बार उसे कह दीजिए, वो अक्षय के साथ जरूर शादी कर लेगी। मुझको कहना पड़ेगा? नहीं, वो खुद आकर कहेगी, पिताजी मेरी शादी अक्षय से कर दीजिए। देखिए, अगर आपसे कहते नहीं बनता तो मुझे इजाजत दीजिए, आपका फैसला मैं उस तक पहुंचाता। नहीं 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 जोगेन, जो कुछ कहना होगा मैं खुद कह लूंगा। पिताजी यही मौका है, हम आपका इंतजार कर रही है। क्या सोच रहे हैं, चाहिए। हेम,
बेटा। पिताजी बत्ती बुझ गई है, मैं दूसरी ले आती हूँ। नहीं बेटा, बत्ती की कोई जरूरत नहीं, बत्ती की कोई जरूरत नहीं। बैठिए पिताजी। हाँ बेटा बैठता, मैं बैठता बैठता हूँ बेटा। अच्छा पिताजी, क्या आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते? जब तक भैया की बहू नहीं आती तब तक तो रह सकती हूँ मैं, नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? ऐसा ना कहो बेटा, मेरी हाल के लिए तुम्हें रहना पड़ेगा। मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है बेटा, इतनी कीमती नहीं। पिताजी बहुत दिनों से आपको धर्म पुस्तक पढ़कर नहीं सुनाई, आज सुना हूँ। अच्छा बेटा तुम जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या हुआ पिताजी, बात की? हाँ की। हेम राजी हो गई ना? हाँ एक तरह से राजी ही समझो। अच्छा तो बस ठीक है, अब मैं अक्षय से जाकर कह जाता हूँ। नहीं नहीं जोगेन, अक्षय से अभी कुछ मत कहो, जल्दी में बात बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा पिताजी, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जोगेन रुक जाओ, जोगेन जोगेन जोगेन। जिसने बना बांसुरी गीत उसी के गाए जा, जिसने बना बांसुरी गीत उसी के गाए जा, सांस जहाँ तक आए जाए एक ही धुन बजाए जा, सांस जहाँ तक आए जाए एक ही धुन बजाए जा, जिसने बना बांसुरी। आ मेरी दब दबाई आँख देख बांधी रहे ये धाक, मेरी दब दबाई आँख देख बांधी रहे ये धाक, वो भी लगाए जाग जाग तू भी लगी बुझाए जा, वो भी लगाए जाग जाग तू भी लगी बुझाए जा, जिसने बना बांसुरी। किसने अपनी हार करके थकान बताएगी, मालिक किसने अपनी हार बढ़ के थकान बताएगी, मैं यूं ही तड़प जाऊंगा तू यूं ही मुस्कुराए जा, मैं यूं ही तड़प जाऊंगा तू यूं ही मुस्कुराए जा, जिसने बना बांसुरी उसी के गाए जा, जिसने बना दिया उसे पाना नहीं कि आपसे मिली हुई चीज हमारी आत्मा की
हमारे हृदय की, हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो चीज आंखों से दूर हो जाती है, लोग समझते हैं उसे उन्होंने खो दिया, ये उनकी भूल। त्याग करके फिर उसे हासिल करना चाहिए। जाती हुई चीज के बारे में अगर हम हाथ जोड़कर, सर झुकाकर ये कहें, ये चीज हमने दी अपने त्याग के दान के रूप में, अपने दुख के दान के रूप में, अपने आंसुओं के दान के रूप में, तो वही छोटी सी चीज बहुत बड़ी बन जाती है, जो कभी मिट नहीं सकती, कभी बर्बाद नहीं हो सकती। वही मामूली चीज हमारे हृदय मंदिर के देवता के सामने अनगिनती बिखरे हुए रत्नों में से एक बनकर पूजा का सामान बन जाती है। भाई अक्षय, अच्छा लड़का सन्यासी मालूम होता है, क्या कहेगा कुछ समझ ही नहीं आया। भाई इस वक्त हिमलय जी रमेश के ध्यान में मग्न है, वो ध्यान भंग करने के लिए एक ऐसे ही सन्यासी की जरूरत है, मगर परिचय कौन कराएगा, उसका जिम्मा भी मुझ पर रहा। भाई जो चाहो करो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक मुसीबत से निकले और दूसरी उलझे। जोगेन, कंटके नई व कंटकम, कांटे को कांटे ही से निकाला जाता है, तुम डरते हो? जिसने कुछ खोया नहीं उसने कुछ पाया भी नहीं, यही सही। मुझे अच्छी तरह समझने का जब कभी आपको मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि मैं दुनिया में किसी चीज की बेकदरी नहीं करता। संसार में खाली हाथ आया था, बड़ी मुसीबतें झेलकर दुनिया वालों की मदद और मेहरबानी से इस काबिल बना। मुझे ये जेब नहीं कि किसी चीज को बेकदरी से बिगाड़ू, जो बना नहीं सकता उसे बिगाड़ने का भी कोई हक नहीं। वाह, क्या खूब बात कही है आपने। हाँ बेटा है, नलिनाक्ष बाबू को चाय दो। जी मैं चाय नहीं पीता। भला ये भी कोई बात है? मुझे माफ कीजिए। अजी आप भी तो डॉक्टर हैं, भला एक प्यारी चाय पीने में क्या नुकसान है? क्यों मजबूर करते हैं पिताजी, मुमकिन है हमारे यहाँ चाय पीने में कोई एतराज हो। जी नहीं, ये बात नहीं, मेरी माँ चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मेरे सिवा दुनिया में और उनका कोई नहीं। कहीं मुझे मेरी उस माँ के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसीलिए मैं चाय नहीं पीता, और कोई वजह नहीं। देखिए अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपको हरगिज मजबूर नहीं करता। कोई हर्ज नहीं। काशी से खबर आई है, माँ वहां बीमार है, इसलिए मैं आपसे विदा होने आया हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। चलो अच्छा हुआ है, हम लोग भी तो पश्चिम की तरफ जाने की सोच रहे थे, अगर तैयारियां जल्दी कर लें तो नलिनाक्ष बाबू का भी साथ हो जाएगा। तैयारियां करने में देर नहीं लगती पिताजी। पश्चिम में कहां जाने की तैयारियां हैं? घूमते घूमते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, कल से वही दर्द फिर शुरू हो गया है। अच्छा तो मैं आपके साथ नहीं जा सकूंगा, जमालपुर स्कूल में हेडमास्टर मिल गई है, मैं वहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है जोगेन, तुम वहीं जाओ, पहले काम फिर आराम। उमेश, ओ उमेश। हाँ माँ। एक पान तो ले आ, सुबह से पान खाने की भी फुर्सत नहीं मिली। पान तो ले भी आया माँ। कहाँ? वो क्या रखे हैं किताब पर? ओ अच्छा उमेश, सब ठीक सजा है ना? तेरे बाबू इलाहाबाद से वापस आकर देखकर खुश होंगे ना? खुश? अरे वो तो ये सब देखकर दंग रह जाएंगे, दंग। दंग रह जाएंगे। अरे ये बिस्तर तो। तुम ये सब छोड़ो माँ, जाओ पहले पान खा लो। नाव डूबने के कुछ दिनों बाद मुझे ये मालूम हुआ कि कमला मेरी बीवी सुशीला नहीं
बल्कि किसी और की बीवी है। तब मैंने तलाश करना शुरू किया कि आखिर उसका किससे ब्याह हुआ था। अब तक सिर्फ इतना जान पाया हूं कि उनका नाम डॉक्टर नलिनाक्ष चटर्जी था। रंगपुर में वो डॉक्टर थे और बस। कमला मेरी जिंदगी की पहेली बन गई है। किस्मत के आगे मैं बेबस हूं, मुझे माफ कर दो। माँ, माँ क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों कर रही हो? तबीयत कुछ खराब है? नहीं बेटा, सर जरा चकरा रहा है। ये चिट्ठी तुझे कहाँ मिली? झाड़ू देते हुए बाबू के कमरे में, इसी में तो फोन लेकर आया था उस घर से। क्यों, कोई बुरी खबर लिखी है? नहीं नहीं, तू बाहर जा अपना काम कर। अरे ओ नई दुल्हन, नई दुल्हन के घर में हो? कहो जी, नई नवेली दुल्हन रख थक चुकी सर? अब तो हो गया आपका काम खत्म? हाँ बहन, सब कुछ खत्म हो गया। हेलो, मैं तो भूल ही गई क्यों आई थी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक चीज दूं तो क्या दोगी? मेरे पास है ही क्या। ओए भैया, मालूम होता है जो कुछ था वो सब किसी को दे दिया है, नहीं बात। तुम्हें साजन मनाए तुम रूठ जाना, तुम्हें साजन मनाए तुम रूठ जाना, तुम्हें पास बुलाए कहे नाना, तुम्हें साजन मनाए तुम रूठ जाना। हमें लाओ झुमका, हमें लाओ कंगना, हमें लाओ झुमका, हमें लाओ कंगना, हमें लाओ रेशम की चूनरिया, हमें लाओ रेशम की चूनरिया। छन में बजेगी बांसुरिया, प्रीत भरी प्रीत भरी, देखो गोरी चुपके चुपके चोरी चोरी, प्रीत भरी प्रीत भरी, छन में बजेगी बांसुरिया। जी बनो मत, दिल तो चिट्ठी के लिए धक धक कर रहा होगा, पर खुद मुझसे मांगे बिना कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। हम भी तो देखे जरा देवी का ढोंग। बहन ये कड़े मेरी तरफ से उमी को दे देना। हा? नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम वापस ना करो, इन्हें तोड़वा कर उसे हार बना देना। पगली हो गई हो क्या? अच्छा बाबा, मैं हारी, ये लो अपनी चिट्ठी। ओए दैया, जो तुम इतने ही ढीठ हो तो लाओ हम ही पढ़ डालो। प्रियतमा, आज पहली बार तुम्हें प्रियतमा कहकर मैं अपने जीवन का एक नया पन्ना उलट रहा हूँ। कल जिंदगी की कठिन राहों का एक थका हरा मुसाफिर तुम्हारे प्रेम और दया की भीख मांगने तुम्हारे द्वार आएगा। अपने भिखारी का ख्याल रखना कमला, तुम्हारा रमेश। लो ये भी कोई चिट्ठी है? भला अपने बीवी को लोग ऐसे पत्र लिखते हैं? अच्छा बहन, तुम्हारे स्वामी नसीब नहीं हुआ। आज तुझे क्या हो गया है? जानो जैसे कहीं दूर जा रही हो। जानती हूँ कितना सुख था वहाँ तुझे। अच्छा, अब तो हमारी रानी की राह में कोई बाधा नहीं रही? कोई बाधा नहीं रही। अच्छा तो अब मैं चलूं, फिर कल। हाँ Thank you.
क्या मेरे मन की ये तपस्या, मेरे दुख की ये अबोधना यूं ही मरना चाहिए? भगवान आइए तशरीफ रखिए। अल्लाह बाबू, आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, फरमाइए फरमाइए। आपकी हेम मुझे बहुत पसंद है। मेरे नलीन के साथ हेम का ब्याह करने में आपको कोई एतराज तो ना होगा? एतराज? एतराज? और मुझे? मुझे तो इसकी उम्मीद भी न थी नलिनाक्ष के साथ हेम का ब्याह हो। इससे बढ़कर खुशनसीबी और क्या हो सकती है? मैं इरादा करके आई हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं हेम को आशीर्वाद अभी दे दूँ। ओह अच्छा, हेम हेम बिटिया, तुम्हारे पिताजी राजी हो गए। मेरे नलिन को तुम अपने मन में जगह दोगी? मेरे अंधेरे घर का उजाला बनना पसंद करोगी लक्ष्मी? सौभाग्यवती हो, जियो और सदा सुखी रहो। देखो प्यारा हाथ। अच्छा समधी जी, आज दोपहर को हमारे यहाँ आप दोनों की दावत है। अगर चाहें तो नलिन को आशीर्वाद भी दे दीजिएगा। बिटिया मेरी एक बात रखोगी ना, ये सन्यासिनी बनकर ना आना। हाँ अच्छा, नमस्ते। आँख खुली तो मैंने देखा कि एक टापू पर अकेला पड़ा हुआ हूँ और किसी का नाम निशान तक नहीं। फिर बेटा? उसके बाद उस लड़की को पाने की बहुत कोशिश की पर मिली नहीं। लेकिन माँ, ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि कमला अभी तक जिंदा है। पागल हुआ है, अगर वो जिंदा होती तो खबर ना देती तुझे। उसे मेरा पता क्या मालूम, उसने तो मेरी शक्ल तक नहीं देखी, मेरा नाम तक नहीं जानती होगी वो। इसीलिए कहता हूँ माँ, मुझे मजबूर ना करो, 2 महीने और इंतजार कर लेने। तो ठीक है बेटा, ऐसा ही कर। उधर अन्नदा बाबू को जो वचन दे आई हूँ, अब उसका क्या होगा? मैं किसकी लाज निभाऊं और कैसे लाज निभाऊं? मैं किसकी लाज निभाऊं? ये जग की प्रीत का बंधन और प्रीत की ये है निशानी। एक में है हाथों की शोभा, एक में मन की कहानी। एक में है हाथों की शोभा, एक में मन की कहानी। जागत प्यार पे धीरे धरूं या सोता प्रेम जगाऊं? मैं किसकी लाज निभाऊं? करम का लिखा पढ़ न पाऊं, तू कौन सहारा? धर्म भी प्यारा, प्रेम भी प्यारा, किस से करूं किनारा? धर्म भी प्यारा, प्रेम भी प्यारा, किस से करूं किनारा? एक मंदिर की नेग पड़े जब एक मंदिर को ढाऊं, मैं किसकी लाज निभाऊं?
और कैसे लाज निभाऊं मैं किसकी लाज निभाऊं। वक्त हो गया है हेम, जल्दी आओ। आई पिताजी, गाड़ी लाने किसी को भेजा? हाँ बिटिया, ये लो, आ भी गई शायद। नमस्ते पिताजी। खुश रहो खुश रहो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अरे हेम। हाँ भैया, कब आए? अभी अभी। ठीक है ठीक है, अच्छी तो हो ना? हाँ भैया, गाड़ी में कोई और भी है क्या? है क्यों नहीं, पिताजी के लिए तोहफा है, तोहफा। अच्छा है, जाओ नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नो है। आओ भैया रमेश। हाँ देखो जोगेन जी, मैं तुम्हें कार देने ही वाला था। क्यों? डॉक्टर नरीनाक्ष बाबू के साथ हेम की शादी तय हो चुकी है। आज सुबह उनकी माँ आई थी, आशीर्वाद भी दे गई है। अभी हम दोनों उन्हीं के यहाँ दावत के लिए जा रहे हैं। लेकिन पिताजी ये नहीं हो सकता, ये बड़ा अन्याय होगा। अन्याय? कैसा अन्याय? दुनिया के न्याय के लिए अब मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा अन्याय नहीं कर सकता, समझे? लेकिन पिताजी फैसला बाद में कीजिएगा, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, जिंदगी भर तुम्हारी सुनता आया हूँ, अब मैं एक भी नहीं सुनूंगा। चलिए आओ हेम, अब ज्यादा वक्त नहीं है। पिताजी, बहन हेम, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ तुम तो सुनोगी। बहन सुनोगे ना? माँ, कलकत्ते से रामलीला वाले आए हैं, जाऊं देखने? ऐ माँ जाऊं देखने? कहाँ? रामलीला। हाँ हाँ जा, जरूर जा, ले ये 5 रुपये। बाजार से कुछ लाना है? नहीं, तू ले ले। सुन उमेश, हैं? तू क्या यही धोती पहन कर जा रहा? लोग क्या कहेंगे? ठहर, ये नहीं हो सकता। लोग क्या कहेंगे? ले इसे पहन कर जा। अच्छा जब सीतायस गिरायो चारी बिदरी भूम शब्द भयो भारी। माजी कहाँ जाओ? गंगा स्नान करने। चली तो मेरे संग? नहीं नहीं, ये रुपया ले, कुछ खरीद के खा लेना। यही है। पर तू कहाँ था? मैं तू कहाँ था?
माँ ने मुझे रामलीला देखने भेजा था। जाने चाचा क्या देखो आए कि नहीं। भीषण 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 बहुजी कहाँ गई बोल, बहुजी कहाँ गई बोल, बहुजी कहाँ गई है बता मुझको। काल गंगा स्नान करेंगे फिर हम उनको आते देखें नहीं। बाबू 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 बाबूजी बाबूजी मामा नहीं है। तुम यहाँ इस तरह क्यों पड़ी हो? मैं काशी जाने के लिए निकली हूँ। पैदल? राम कहो, मांग में सुहाग, हाथ में कंगन, वो तो है ना? वो तो शादी के दूसरे ही दिन से गायब है। राम कहो, और माँ बाप? कोई नहीं। राम कहो, तुम ब्राह्मण की बिटिया हो ना? हाँ। तो अब क्या करोगी तुम? मैं खाना पका सकती हूँ। ओ बताइए ना, अगर किसी भले घर में मुझे नौकरी मिल सके। मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं, बहुत नौकरी है घर में। फिर भी तुम ब्राह्मण की लड़की मुसीबत में पड़ी हो, दया आती है। चलो, मेरा बजरा काशी जा रहा है, मेरे साथ चलो। जब इतने खाने वाले हैं घर में, एक खाने वाला और बढ़ गया तो क्या हुआ? चलो। जी आया। नमस्ते। नमस्ते। घर में कोई नहीं है। कहाँ है? बाबू बिटिया रानी को लेकर काशी गए हैं। और जोगे? वो तो जमालपुर स्कूल में हेडमास्टर हो गए। मैं जरा अंदर जाऊं। हाँ जाइए जाइए। बाबू आए थे ना? जी हाँ। तो वो इतने दिन कहाँ रहे? गाजीपुर। गाजीपुर?
अभी आते हैं। रमेश आ भैया। भाई रमेश अब तुम्हारा कहना ही काफी है, यूं भी मैंने हमेशा तुम्हारा यकीन किया, बस एक बार मुझसे भूल हुई थी, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं, लेकिन कमला ने खुदकुशी कर ली है इस बात का मुझे यकीन नहीं होता। मुझे खुद भी रह रहकर यही शक होता है जोगन। जाने दो भाई, ये किस्सा तो खत्म हुआ। वहां अक्षय के खत से यह मालूम होता है कि वो जल्द गाजीपुर जाने वाला है। गाजीपुर? वो क्यों? तुम्हारे चक्रवर्ती चाचा के पास, ताकि उन्हें हेमलिनी के पास ले जाए और तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश करे। अच्छा हो उससे पहले हम काशी पहुंच जाए। मुझे ऐसा मालूम होता है कि हेम तुम्हें अभी तक भूली नहीं। नमस्ते। नमस्ते। आइए आनंदा बाबू। हाँ बेटी। बड़ी होशियार बिटिया है, मेरी फुजोरी खूब कार गई। मेरे साथ पिताजी भी आए हैं। मेरे नवीन को तुम जानती ही हो, रात दिन बीमारों के फेर में रहता है, मेहमानों का ख्याल उसे कहाँ। चलो देखा जो कहा था वही निकला। नमस्ते। 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 बैठिए। माफ कीजिएगा अन्नदा बाबू, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या बताऊं मेरा नलीन पागल है, पागल। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोग आ गए। कितने सुंदर हैं, इन फूलों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। वाह। शर्मिंदा ना कीजिए, नाचीज का ये हकीर तोहफा तो नजराना या हकीकत है। ये तो आप मुझे शर्मिंदा करने लगे अन्नदा बाबू, मैं इस काबिल कहां। मगर हे मुझे बड़ी प्यारी लगती है, अंग्रेजी पढ़ी लिखी और इतनी भोली भाली मिलनसार, जैसे आपस ही की, बिल्कुल घर की सी। जी इसमें क्या शक है, घर ही की समझिए, मोहब्बत लाला जी के ब्याज की तरह दिनों के हिसाब से थोड़े ही बढ़ती है। ये मोहनी तो बातों बातों में दिल के अंदर घर कर लेती है। आप ठीक कहते हैं, अगर मेरा जोगी बेटा इस चार ही दिन की जान पहचान की कदर कीमत समझ सकता तो ये मिलाप न जाने मिलाप से बढ़कर क्या कुछ हो जाता। लेकिन वो क्या अपना पागलपन छोड़ेगा। डॉक्टर साहब। क्या खबर तुलसी? बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, आपको बुलाया है। अच्छा तुम जाओ मैं आता हूँ। घबराओ नहीं, बच्ची अच्छी हो जाएगी, बच्ची अच्छी हो जाएगी। कौन? तुलसी? हाँ। डॉक्टर साहब नहीं आए? अभी आते हैं। देख भाई तुलसी, डॉक्टर साहब के नाम के मेरे एक रिश्तेदार काशी में रहते हैं, तो वो ब्राह्मण है ना? हाँ वो तो चटर्जी ब्राह्मण है। पहले कहाँ रहते थे? सुना था रंगपुर में। सुनो भाई तुलसी, डॉक्टर साहब यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? यही घाट के पास। क्या पंचायत लगा रखी है तुलसी, तुम लोग समझते हो मेरे आंखें नहीं। राम को किसी तरह चीजें उड़ जाती है घर से। अरे ओ मामी, रास्ते में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, दया करके यहाँ लाई, उसका ये बदला दे रही है। मुकुंद बाबू मकान में हैं? राम कहो, डॉक्टर नीलिमा आ गए। जा बिटिया तू उन्हें बैठक में बैठा, मैं ऊपर जाके उन्हें खबर देती हूँ। आइए। Thank you.
सब आ गए हैं। आइए सब। आग मेरी लगाई हुई है, मुझे को बुझानी पड़ेगी। अच्छा चलो पहले काशी तो पहुंच जाए। देखो ना जोगिन, मेरा यही ख्याल है कि तुम्हारा अकेला जाना बेहतर रहेगा। भैया इस वक्त मेरा तुम्हारे साथ चलना बहुत जरूरी है। भैया अब तक सिर्फ इतना ही जान पाया हूं कि उनका नाम डॉक्टर नलिनाक्ष चटर्जी था। रंगपुर में वो डॉक्टर थे और बस। मिल गई मेरी बिटिया, इतने दिनों बाद याद आई तुम्हें हम लोगों की। अरे शैला, ओ शैला। आई बाबा। अरे बिटिया बाहर आके देख तो सही कौन आई है। अरे आ जल्दी आ। अरे खड़ी क्या है, जा 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 जल्दी जा। हे भगवान, इतने दिनों के बाद याद आई तुम्हें। अरे ये सब बातें फिर होती रहेंगी, पहले बिटिया को अंदर ले जा। वो जाओ जाओ बेटा जा। आओ बहन बैठो। तो फिर बताओ तो बहन, तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तुम समझी हो कि हम लोगों में कुछ अक्कल वक्कल नहीं है? अरे ये तो हम अच्छी तरह जानते थे कि अगर तुम्हारे पास और कोई चारा होता तो तुम ऐसा कभी ना करती। हम तो दिन रात इसीलिए रोते थे कि ईश्वर ने तुम जैसी भोली भाली लड़की पर पहाड़ क्यों पटक दिया, जो खुद नहीं जानता है कि उसने क्या गुनाह किया है, उसे सजा क्यों मिलती है। तुम मेरी कहानी सुनोगी बहन? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो लो ये चिट्ठी पढ़ लो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मुझे तूफान से बचाने वाला, जिसे मैं अपना स्वामी अपना सब कुछ समझती थी, वो मेरा कोई नहीं था। ओहो, ये क्या? अरे ये हमारे काशी के डॉक्टर नलिनाक्ष तो नहीं? वो ही तो है। अरे उनकी माँ को तो मैं अच्छी तरह जानता। अब क्या किया जाए बाबा? करने वाला ईश्वर है बेटा, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ऐसे वक्त हमारे अक्षय बाबू कहाँ गए? उन्होंने ठीक ही कहा था कि कमला का पता काशी ही में चलेगा। तुम जाओ बेटा, कोई चिंता न करो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। नहीं चाचा जी, कमला का तो कहीं भी पता नहीं चला। अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि गाजीपुर से काशी लाकर मैंने आप लोगों को फजूल ही हैरान किया। नहीं नहीं अक्षय बाबू, हमें यहाँ लाकर आपने हम पर बड़ा उपकार किया। वो कैसे? हमारे उमेश बाबू अभी अभी कमला माँ को लेकर यहाँ आए हैं। जी आपका मतलब है कि हमारे रमेश बाबू की स्त्री कमला है? जी, इसका नाम है हरिदासी, दूर के रिश्ते से मेरी भतीजी लगती है। अनाथ है बिचारी, ब्याह हो गया था
लेकिन पति घर छोड़ के चला गया। अब चाहती है कि जीवन के बचे कुचे दिन तीर्थ में बिता दे, लेकिन कोई आसरा देने वाला नहीं। अरे ये दुनिया वाले किसको आसरा देते हैं चक्रवर्ती जी? देखते ही ऐसी मन भा गई है कि जी चाहता है अपने ही पास रख लूं। वाह, ये तो इसका सौभाग्य है, हम भी बेफिक्र हो जाएंगे। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मेरी माँ हरि भाविनी हरिदासी का जन्म लेकर मेरे पास आ गई है। आहा, कितनी सुंदर है। लो बिटिया, आओ मेरे साथ ये फूल लेकर। ये फूल क्यों मुस्कुरा रहे हैं जानती हो हरिदासी? ये कह रहे हैं कि हेम नरीन से ब्याह करने के लिए राजी है। ओ, मगर तुम क्या जानो मेरे नलीन को, ये इस दुखियारी का सन्यासी बेटा है। शादी के नाम से वो ऐसे दूर भागता है जैसे शिकारी को देखकर हिरन। मुद्दतों बाद ये दिलपसंद जोड़ा मिला है, अब उसकी मैं एक ना चलने दूंगी। हाँ देख लेना, ये है नलीन का कमरा। जाओ तो बेटी, ये फूल वहां सजा दो। हेम आई थी, मुझे ना पाकर वापस चली गई। जरा देखो तो, भली एक बारात का भोजन बना बैठी। नगिन को आशीर्वाद देने के बाद बूढ़े अन्नदा बाबू के गले कोई और मुसीबत न पड़ जाए। ओ, तू शायद जानती नहीं, वो नगिन को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और सुन, नगिन के कमरे में खाने के लिए जगह करना। हाँ क्यों चाचा, ये तो अन्नदा बाबू के घर का रास्ता नहीं। धरो अक्षय बाबू, ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। सुन नलीन, तू जो कहना चाहता है मैं जानती हूँ, बड़ी देर हो गई, जल्दी से नहा ले, अन्नदा बाबू आते ही होंगे। लेकिन माँ, गाय ने तुम्हें सब कुछ साफ साफ तो बता चुका हूँ। हाँ, कमला जरूर जिंदा है। इन बातों को बढ़ाकर मामले को ज्यादा पेचीदा ना बनाऊंगा। अच्छा तो यही है कि इस वक्त मैं यहाँ से चला जाऊँ। इस आशीर्वाद वशीदा की झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता। देखो तो पगले की बात है, शादी नहीं करता तो ना सही, लेकिन इज्जत का तो ख्याल कर। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए, आ बिटिया। माफ कीजिएगा, हम लोग कुछ देर हो गई। तो क्या हुआ? आप बेटी बैठिए। आज मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, मैं बेहद खुश हूँ। सच पूछिए तो इस घर में भी आज ही उजाला हुआ अन्नदा बाबू। माँ ने मुझसे यही जगह करने के लिए कहा है। ठीक कहा है माँ ने, यही जगह करनी होगी। हेम, इन्हें प्रणाम करो बेटी। झुक झुक जी। ये क्या आशीर्वाद के कंगन तुम्हें पसंद नहीं आया बेटिया? उतार कर रखते हैं। देखिए अन्नदा बाबू जी, ये तो आप भी जानते हैं कि ये दोनों अब बच्चे नहीं हैं। इनमें ऊंच नीच देखकर काम करने की समझ काफी पैदा हो गई है जी। हमारा इनके बीच में पढ़कर जल्दी करने के बजाय क्या ये ज्यादा अच्छा ना होगा कि इस रिश्ते का फैसला हम इन्हीं पे छोड़ दें? क्यों बेटी जी, नहीं ये। अच्छा आप लोग जरा बैठिए, मैं रसोई की खबर ले आऊं। ये लो, मैं तो समझी थी बिटिया मेरी पकाने रीनने में लगी होगी। सब तैयार हो गया। बिना कारण थोड़े ही बिटिया कहा है तुझे। बिटिया मेरी अन्नपूर्णा है, लेकिन यहाँ क्यों बैठी है? हे माही है, वहाँ चल उनसे दो बातें कर। मैं मूर्ख भला उनसे क्या बातें करूंगी, वो इतनी पढ़ी लिखी। ये क्या कहती है, तू किसी से कम नहीं है बिटिया। दो किताबें पढ़कर हर कोई पंडित तो हो सकता है, लेकिन तेरी ऐसी लक्ष्मी होना हर एक के बस में नहीं। आ, मगर इन कपड़ों में जाने से काम नहीं चलेगा, अपनी बिटिया को मैं राज रानी की तरह सजा कर ले चलूंगी। आ। अरे ये तो देख रहा हूँ डॉक्टर नलिनाश का मकान है। ठीक देख रहे हैं अक्षय बाबू, आखिर होशियार आदमी है ना। लेकिन सुनिए तो चाचा, फिर हम लोग यहाँ क्यों आए? अच्छा उलझावे में जान पड़ गई? अजी भगवान पर भरोसा रखिए, ये सब उलझावे वो सुलझावेगा। आइए आइए, आओ बेटिया,
आओ, लज्जा ना करो, बैठो। अनुदा बाबू, आप लोगों से अपनी इस बिटिया का परिचय करानी है। मेरी माँ बचपन में मर गई थी ना, उन्होंने फिर से जन्म लेकर इतने दिनों बाद मुझे दर्शन दिए हैं। मेरी माँ का नाम था हरिभागनी, अब के हरिदासी नाम लिया है। ये रूप और गुण में साक्षात कमला है। आपके मुंह में घी शक्कर। बात काटने का मुझे अफसोस है, क्षमा कीजिए। माता जी, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे, जरा बाहर आइए। जाओ तो बेटिया, खाने का इंतजाम करो, मैं अभी आई। माँ, मैं जानता हूँ आप बड़ी दयालु हैं, तभी तो बिना दुविधा आपके पास चला आया। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो इस चिट्ठी से आपको मालूम होगा। क्या मुसीबत, ऐसे समय अक्षय भी आ गया। हे, आखिर तुम कंकर पहनकर क्यों नहीं आई? रुबीता, ये नलिनाक्ष कौन है? आपका बेटा। और कमला? दारनी चढ़ेगी। कहूँ तो आप मानेंगे, तो ये मेरी हरिदासी ही कमला है। जी। मेरे नलिन की स्त्री। जी, आप क्या कह रहे हैं चाचा? कमला तो रमेश बाबू की स्त्री है। न थी और न है। है? तो फिर रमेश बाबू की स्त्री कौन है? मुझे सब मालूम है कमला, अब तो तुमने जगह कर ली। चलो हम दोनों एक साथ जाके माँ को प्रणाम करो। माँ क्या? तुम चिंता ना करो, माँ ने मेरे बहुत से अपराध माफ किए हैं। तो ये जो अपराधी नहीं है, क्या वो इसे माफ ना करेंगे? चल। अन्नदा बाबू, देखिए अन्नदा बाबू, अभी अभी मुझे एक बड़े अचंभे की बात मालूम हुई। जी आप परेशान न होइए, ये अजीबो गरीब दास्तान कुछ कुछ यहाँ भी सुनाई दे रही थी। ताजू माँ, माँ अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दो। बेटा हेम, तो फिर चलो अब हम लोग चले। ये भी कोई बात हुई महाशय? बैठिए बैठिए अन्नदा बाबू, बैठिए। असल काम तो अभी बाकी ही रह गया है। सुना है कि कमला बिटिया ने तय बनाए हैं। ठीक कहा चक्रवर्ती जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। समय बहुत कम है और मुझे जल्दी जाना है। पिताजी, आप नाराज हो रहे थे कि मैं कंगन पहनकर क्यों नहीं आई। पहनकर नहीं आई, लेकिन साथ लाई हूँ। जिन हाथों में इनकी शोभा बढ़े और मर्यादा हमेशा बनी रहे, उन्हीं हाथों में पहनाए देती हूँ। सौभाग्यवती हो बहन, मांग सदा भरी रहे। अब मैं जाती हूँ, आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं अपने सबसे बड़े कर्तव्य का पालन आसानी से कर सकूं। चलिए पिताजी। अक्षय बाबू, मैं जानती हूँ कि वो अब भी हमारे यहाँ होंगे। उनके पास जाने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप भी मुझे आशीर्वाद दें। नहीं नहीं, ये कहकर अब और मुझे गुनहगार न कीजिए। भगवान जानता है मैंने हमेशा आपकी भलाई ही चाही है, और अब भी चाहता हूँ। भगवान आप दोनों को सुखी करे। ये कह देना भी मेरा फर्ज है कि न कमला को कभी मैंने अपनी स्त्री समझा, न कभी उससे ऐसा सुलूक किया। आज गुस्सा और नफरत से मजबूर होकर तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया।
अब मैं अपने आप को बहुत अकेला पा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी ईश्वर से हर वक्त यही प्रार्थना रहेगी कि वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुखी रखे। एक आखिरी भिक्षा है, मुझे अपनी नजरों में इतना गिराव नहीं, मैं इतनी कड़ी सजा के लायक नहीं।